राम राम। तो गाइस लाइक अभी तक तो मैं कैट में से पीएनसी के पीवी से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, बट नाउ सिंस अभी कैट 2021 का एग्जाम हुआ, सो आई थॉट ऑफ कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, 2021 का जैसे मैं कर पा रहा हूं, आई विल ट्राई टू कवर एज मच क्वेश्चन एज आई कैन, ठीक है। तो या ये क्वेश्चन जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, सो आई कवर्ड, आई एम टेकिंग इट इन द फर्स्ट पार्ट। दिस इज कैट 2021 शॉर्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ आप लोगों का नवंबर में, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अनिल को एक घर पेंट करने में 12 डेज सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम स्कूल में करते थे, याद है आपको, कि अनिल को पेंट करने में 12 डेज सकते हैं घर, ठीक है, वो 12 दिन में अनिल का बात करें, ठीक है, 12 दिन में वो पूरा घर को पेंट कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12, और एक दिन में अगर 12 दिन में पूरा घर को कर देगा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 अपना काम कर पाएगा, ठीक है। वरुण बताइए, वरुण को लगते हैं 16 दिन पूरा घर पेंट करने में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, अगेन कॉमन सेंस, 1/16 ऑफ द वर्क, 1/16 ऑफ द घर को पेंट करेगा, राइट। एंड चंदू और एक कोई है, इसको कितना टाइम लगता है आपको नहीं पता, नहीं दिया, राइट, चंदू का मान लेते हैं आपको एक्स दिन लगते हैं, तो घर का काम खत्म करने में अकेले अकेले को एक्स डेज लगेगा, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x को, तो क्लियर है, राइट। तो चंदू 1/x काम करेगा एक दिन में, ठीक है। अब क्या हुआ, तीनों दोस्तों को मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लिए कि हम आपका घर भैया पेंट कर देंगे 24,000 रुपए में, और 6 दिन के अंदर पूरा काम खत्म हो जाएगा, हम तीनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तीनों एक साथ काम करेंगे तो अभी 6 दिन खत्म कर पाएंगे, बिकॉज अकेला नहीं कोई 12 दिन लग जाते हैं, तो कॉमन सेंस, तीनों एक साथ काम करेंगे एंड 6 दिन में पूरा घर को पेंट कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। एंड 24,000 रुपया पूरा घर का पेंटिंग करने का आपका लगेगा, ठीक है, दे देंगे। अब तीनों आपस में पैसे भी डिवाइड करेंगे, अब घनिष्ठ मित्रता होती है तो चलो 8,000 रुपये एक खत्म करता काम, बट ऐसा तो नहीं है कि ये बोलेगा भाई मैं यार इफेक्टिव आदमी, यार मैं कितना काम किया तो कितना कम काम किया, तो कितना पैसा क्यों आदमी है, सही बात है। तो जो जितना काम किया उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, तो उस हिसाब से चंदू को कितना पैसा मिलेगा आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार आप बेसिक बताइए, आपको पता है कि सपोज 8 दिन का काम है, आप 3 दिन काम, मान लो 8 घंटा का काम है, आप 3 घंटा काम किए, और आपको कितना पैसा मिलेगा, 3/80 मिलेगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है। अगर हमको निकाल देंगे कि चंदू को, चंदू कितना काम किया, तो हम उस हिसाब से पैसा उसका निकाल सकते हैं, पर चंदू का कितना काम है हमको ये निकालना पड़ेगा, पहले 1/x काम करता है, बट एग्जैक्ट कितना है वो निकालना पड़ेगा, फिर हम सकते हैं, पर इस पे फोकस करते हैं। अगर तीनों मिलकर बोले कि हम 6 दिन में काम खत्म कर देंगे, तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, मुझे ये बताइए, तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/6, राइट, तीनों मिलकर 1 दिन में 1/6 काम करेंगे, ये तो क्लियर बात, ठीक है। अब तीनों मिलकर 1/6 एडिशन करो, 1 दिन में 1/2 अनिल कर रहा है, 1/16 वरुण कर रहा है, 1/x चंदू कर रहा है, तीनों मिलकर 1/6 करेंगे तभी 6 दिन में खत्म होगा, ओके। तो 1/x क्या होगा, हिसाब किताब करो, 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/16, ये आपको होता है 1/12 माइनस 1/48, तो एक्स कितना हुआ, 48, तो मतलब चंदू 1 दिन में 1/48 काम करता है, ठीक है, ओके। अब चंदू 1 दिन में अगर 1/48 काम करता है, प्रैक्टिकली आप सोचिए, टोटल 24,000 रुपये मिल रहा है 6 दिन काम करने, राइट, 1 दिन काम करने कितना पैसा मिलेगा, 4,000 रुपये, उसमें चंदू को कुछ पोर्शन मिलेगा, राइट, 1 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 1/6, चंदू कितना कर रहा है, 1/48, तो चंदू को कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए चंदू को, इंटू 1 दिन के टोटल पैसे 4,000 रुपये, कॉमन परसेंटेज ये हो जाएगा 4,000/8, 500 रुपये, मतलब ठीक है भाई, 4,000 रुपये सबको मिला, तो चंदू को भाई 500 रुपये रवाना करो। अब चंदू को 1 दिन का पैसा तो पूछा नहीं आपको, टोटल कितना रुपया मिलेगा पूछा है, 1 दिन में 500 मिलेगा, 6 दिन में 3,000, 6 दिन में चंदू को 3,000 रुपये लेकर रवाना कर देंगे, 3,000 हो गया तब। तो या और सही बात, ये तो 100 काम कर रहा है ना, 48 मतलब पूरा काम 40 डेज में अकेला करता है, ये कितना इफेक्टिव आदमी, भाई 12 दिन में काम करेगा, सब सारा पैसा इसी को मिलेगा, इसको कम मिलेगा, इसको बहुत कम मिलेगा, आप सोचो 24 से 3,000, अच्छा लगा होगा एंड कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, अगर अच्छा लगा लाइक हिट द सब्सक्राइब बटन, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जय हिंद।